फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो DBMS के पार्ट नॉर्मलाइजेशन पे बनाया गया है। यहाँ पे थर्ड नॉर्मलाइजेशन की जो थर्ड फॉर्म है वो डिस्कस की गई है। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें सब में इम्पॉर्टेंट माना जाता है DBMS का पार्ट, चाहे वो SO का एग्जाम हो आपका, चाहे CIL का एग्जाम हो, चाहे क्रिस का जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला एग्जाम हो, चाहे MPPSC का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, DBMS जो है उसमें नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, IBPS SO का जिनका क्लियर हुआ है। तो इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में होगा या नहीं होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कि थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म कौन सा होगा। थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है इसकी बेसिक कंडीशंस है कि आपका जो रिलेशन है, जो आपकी टेबल है, जो आपको गिवन है रिलेशन, वो पहले सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। मतलब क्या कि जो भी रिलेशन आपको दिया गया है, आपको अगर उसका थर्ड नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करना है तो पहली कंडीशन जो है वो ये कि पहले से ही वो रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड जो कंडीशन है वो क्या कि वहाँ पे कोई सी भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले, अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये वाला वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप नॉर्मलाइजेशन का पहला वीडियो, फिर उसके बाद में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कन्फ्यूजन जो रहेगा आपका वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन की थर्ड फॉर्म की बात करें तो दो कंडीशन आपको हमेशा देखनी है, एक तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा उसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है ये हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे, काफ़ी अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम लोगों को दिया गया एक रिलेशन हमको गिवन है। रिलेशन में देखो यहाँ पे दिया क्या गया है कि आपका ए और बी जो है यहाँ से कनेक्शन आपको कहाँ मिल रहा है। फंक्शनल डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो ए और बी से फाइंड आउट आप क्या कर पा रहे हैं, सी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं, और सी की अगर हम बात करें तो सी से आप क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, डी फाइंड आउट कर पा रहे हैं। मतलब इसको हम देखें तो यहाँ पे ए और बी जो है आपके ये कौन से हैं, कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की है आपके ए और बी। तो ए और बी की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट की जो होती है, कैंडिडेट की के एट्रीब्यूट उनको कहा जाता है प्राइम एट्रीब्यूट, और जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है वो क्या कहलाते हैं आपके, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे अगर देखें तो सी और डी, यहाँ पे सी और डी वाली जो वैल्यू है, ये सी और डी वाली वैल्यू कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे आपके, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, प्राइम एट्रीब्यूट मतलब कैंडिडेट की का पार्ट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मतलब कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस रिलेशन के अंदर अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज देखें कि कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास में है, तो डिपेंडेंसी हमारे पास यहाँ पे दो है, एक है ए और बी, इससे सी आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं और सी सी से आप डी फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इस टेबल में आप देखें तो यहाँ पे अगर पार्शियल डिपेंडेंसी देखें, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी में हमने ये देखा था कि कोई सा भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के किसी पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो डिपेंडेंट है तो पूरी की पूरी कैंडिडेट की पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जैसे ए और बी है इस पे डिपेंडेंट है सी, तो सिर्फ ए पे कोई एलिमेंट डिपेंडेंट अगर होगा तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाएगी, या सिर्फ बी पे कोई डिपेंडेंट होगा तो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। लेकिन हम यहाँ पे देखें ए और बी ये कैंडिडेट की है, इससे फाइंड आउट किया सी, कैंडिडेट की से हमने सी निकाला और सी जो है ये आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से आपने वापस से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकाला। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आप लोगों ने निकाल लिया। मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या, नहीं है। यहाँ पे भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है और यहाँ पे भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब ये आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तो आता ही है। अच्छा, आप देखो चेक क्या करना है आपको कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेक करनी है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, ये आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये भी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, दोनों के दोनों आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होगी कि कोई सा भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट हो तो ये क्या कहलाती है आपकी, ये आपकी कहलाती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा कि कोई सा भी अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट है तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी।
अच्छा देखो, अब करना क्या है, ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है हमारे पास में, इस डिपेंडेंसी को हमको रिमूव करना है। मतलब कि यहाँ पे जो सी वाली जो पार्ट है, सी जो है यहाँ पे वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है आपका, डी जो है वो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो हम लोगों को करना क्या है कि इस टेबल को, इस रिलेशन को ऐसे रिलेशन में डिकम्पोज करना है कि यहाँ से हम लोग अगर चाहें तो जो पार्शियल डिपेंडेंसी तो यहाँ पे है ही नहीं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है उसको रिमूव कर दें। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करने के लिए करना क्या होगा कि कैंडिडेट की का पार्ट होना चाहिए। मतलब या तो ऐसे समझ लीजिए कि प्राइम एट्रीब्यूट जो होगा, प्राइम एट्रीब्यूट से आप नॉन प्राइम को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो होगी वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा देखो, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हम देखें, हमको करना क्या है कि ये जो टेबल है, इस टेबल को डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज करना है तो किस में डिकम्पोज करना होगा? सबसे पहली चीज़ कि जब भी कोई नई टेबल बनाई जाती है, कोई सा भी नया रिलेशन अगर बनाया जाता है, तो उसमें सबसे पहले जो इंक्लूड किया जाता है वो क्या होता है? आपका कैंडिडेट की। ये हमने पहले भी देखा था, कोई सी भी नई टेबल जब बनाई जाती है तो उसमें कैंडिडेट की यूज में ली जाती है। मतलब पहले जो एट्रीब्यूट होंगे कैंडिडेट की होंगे। अच्छा, ये जो कैंडिडेट की है इनकी अगर हम बात करें तो ये फाइंड आउट किसको कर रहे हैं? सी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक रिलेशन जो बना आपका R1, आपने यहाँ पे किया क्या कि ए और बी से सी को फाइंड आउट कर लिया। मतलब आपका जो ए और बी की अगर हम बात करें, इससे आप पूरी की पूरी टेबल फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ए और बी तो फाइंड आउट हो ही रहा है, यहाँ से सी भी फाइंड आउट हो रहा है, और सी से डी। मतलब ए और बी आपके क्या थे? कैंडिडेट की थे। आपने किया क्या? ए और बी और सी, सी आपने यहाँ पे यूज में ले लिया। ये है आपके प्राइम एट्रीब्यूट, ये है आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब देखो, आपको करना क्या है थर्ड नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए, आपको करना क्या है कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है आपको उसी को किसी नई टेबल के अंदर ऐसा एलिमेंट बना देना है जो प्राइम एट्रीब्यूट का काम करे, या फिर जो कैंडिडेट की बन जाए। तो देखो, आपको करना क्या होगा, R2 टेबल की अगर हम बात करें तो R2 के अंदर आपको करना क्या होगा कि सी को कैंडिडेट की बना दिया हम लोगों ने, और डी वाली वैल्यू सी फाइंड आउट कर रहा है। मतलब इनकमिंग एरो हम देखें तो यहाँ पे डी पे एरो है, सी पे इनकमिंग एरो नहीं है। अच्छा, टेबल R1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी कैंडिडेट की क्या है? ए एंड बी। टेबल R2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है आपकी? सी। यहाँ पे ए और बी जो है इससे सी फाइंड आउट हो रहा है, यहाँ पे सी जो है इससे डी फाइंड आउट हो रहा है। अच्छा, सी अगर कैंडिडेट की है, सी अगर कैंडिडेट की है तो ये कहलाएगा क्या? ये कौन सा एट्रीब्यूट होगा? ये प्राइम एट्रीब्यूट होगा। नॉर्मल सी बात है, हम लोगों ने यही तो बोला कि कोई सा भी कैंडिडेट की जो होता है, कैंडिडेट की के एट्रीब्यूट जो है वही क्या कहलाते हैं? आपके प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे ए और बी जो है ये प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, सी को हमने कैंडिडेट की बना दिया, तो सी खुद एक प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज के साथ साथ हमने टेबल को दो पार्ट में डिकम्पोज कर दिया, दो इसके पार्ट अलग अलग बना दिए, दो रिलेशन अलग अलग बना दिए। उन रिलेशंस में हम लोगों ने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का जो रीजन था कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर रहा था, तो हमने क्या किया कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को कैंडिडेट की बना दिया। अब जो कैंडिडेट की है वो है आपकी प्राइम एट्रीब्यूट, ये वाला जो पार्ट है ये है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम को फाइंड आउट कर रहा है। मतलब अब यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी तो देखें अगर हम, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं बची है। तो ये आपको समझ आया होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करना सिर्फ आपको इतना सा है कि आपकी जो फॉर्म है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो पहले से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या कि उस टेबल के अंदर कोई सी भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ आया होगा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई क्वेरी वगैरह कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। अच्छा, की पॉइंट्स की अगर हम बात करें कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म के की पॉइंट्स क्या क्या होंगे, तो रिलेशन शुड बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ये इसकी इसेंशियल कंडीशंस की कैटेगरी में आता है कि अगर आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करने वाले हैं तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए आपका जो रिलेशन है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तो होना ही होना चाहिए। सेकेंड चीज़ क्या कि आपको फाइंड आउट करना है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, वहाँ पे आपको ये देख लेना है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपको मिल जाती है तो आपको रिमूव करना है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को। अगर आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव कर दी तो जो आपकी फॉर्म होगी वो कौन सी फॉर्म कहलाएगी? थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ आया होगा, ये जो था ये डिस्कशन था पूरा थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पहले डिस्कस की जा चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो पहले डिस्कस किया जा चुका है, वो भी आप देख सकते हैं।
अच्छा, पुराने वाले जो वीडियोस हैं उनको ऐसे नहीं देखना है कि वो खाली IBPS SO के लिए बने हुए हैं, वो सारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है। CRIS का JSE की बात करें या फिर CIL का जो सिस्टम IT वाला पोस्ट निकला हुआ है या MPPSC का जो पोस्ट निकला हुआ है सिस्टम एनालिस्ट या फिर प्रोग्रामर का, तो ये चीज़ अगर हम देखें तो सबके लिए वो वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वो वीडियोज़ भी आप लोग देख लें। यहाँ तक का जो पार्ट था ये नॉर्मलाइजेशन की थर्ड फॉर्म थी। BCNF नेक्स्ट फॉर्म बचती है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ली जाएगी। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आता है तो, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।